दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा, जैसा कि आपको लगातार लेकर चल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ट्रेडिशन की तरफ, जहाँ पर हमने आपको गांव की जो रहन सहन है वो दिखाई, किस तरह से लोग रहते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, किस तरह के यहाँ पर डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या लोगों की सोच है, किस तरह से बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यहाँ पर किस तरह से खेती होती है, क्या पशुपालन करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें आपको दिखाने का प्रयास किया और मैं आगे भी आपको इस तरह की चीजें दिखाने का प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि ये हमारा जो कल्चर है ये कल्चर अनमोल है, अगर इसको ऐसे कहें तो। इसके जैसी जो एक परंपरा है वो देखने के लिए इंसान को शायद एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में आने के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बाहर का जमीन नहीं खरीद सकता है। कोई भी व्यक्ति जो बाहर रहता हो हिमाचल प्रदेश के अंदर अपना घर बना के रहकर अपने परिवार को वो बातें नहीं दे सकता जो हिमाचल का एक आदमी दे सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हिमाचल या दुनिया के किसी भी देश में अगर आप रहते हैं तो अभी धीरे धीरे जो परिवार हैं वो बिखरते हुए जा रहे हैं। भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता, माता पिता के साथ बच्चे नहीं रहना चाहते, हर व्यक्ति अपना एक अलग दुनिया बसाना चाहता है, अलग जिंदगी जीना चाहता है। कारण वो चाहता है कि उसका कोई इंटरप्शन ना हो, वो चाहता है कि कोई उसको टोका टाकी ना करे। अलग अलग घरों में टीवी लगे हैं, अलग अलग कमरों में लोग रहते हैं, अगर एक घर में पति पत्नी भी हैं, अगर बुजुर्ग भी हैं तो वो अलग अलग रह रहे हैं, बुजुर्गों को अलग घर में कमरे में टीवी लगा के दे दिया हुआ, पत्नी अलग में रह रही है, बच्चे अलग में रह रहे हैं। तो ये एक जो सोच है, मैं आज आपको इस सोच से बाहर निकालकर थोड़ा सा लेकर चल रहा हूँ और मैं कैसे परिवार के बीच में आज बैठा हूँ, जहाँ पर हमने यहाँ पर काफी इन्होंने बड़ा सत्कार किया। हमारा एक प्रधान है यहाँ पर गांव के, जो नलहोता गांव है बैजनाथ के अंतर्गत में, और उसमें हमने आए, इन्होंने बड़ा सत्कार किया, खाना खिलाया, हमने वहाँ यहाँ ट्रेडिशनल रूप से जो खाना खाते हैं वैसे खाया, बड़ा अच्छा इन्होंने किया। लेकिन मैंने एक यहाँ पर बड़ी अच्छी बात देखी है जो मुझे लगा कि समाज के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज हो सकता है, समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। जिस तरह से आज लोग अलग अलग रह रहे हैं, एकल फैमिलीज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, एकल भी क्या, पति पत्नी भी एक इकट्ठे रह पा रहे हैं तो एकल तो बड़े दूर की बात है। यहाँ पर चार चार बहुएं इकट्ठी, उनका पूरा परिवार इकट्ठा रहता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका आपस का जो प्यार है, इनका आपस का जो लगाव है वो बहुत ही यूनिक में देखने में लगा है। एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है, एक ही चूल्हे में 12 14 15 लोगों का परिवार यहाँ पर रहना, इनके सास ससुर आपस में जो दरानी जेठानी रहती हैं उनके हैं नहीं, वो दुनिया में अभी है नहीं, लेकिन पति अपने अपने काम करते हैं, एक प्रधान है, एक नेवी में है, एक कोई प्राइवेट जॉब अभी कर रहे हैं और एक है जो अभी दूसरी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा एक देखने को मिला। मैं आपको यहाँ मिलाना चाहूंगा, यहाँ पर ये जो मेरे सहयोगी दिखाएंगे यहाँ पर बैठी हैं, परिवार की मुखिया हैं, प्रधान जी की पत्नी हैं, ये सबसे बड़ी इस परिवार की अभी बहू हैं, और इसके साथ में मैं दिखाऊंगा ये बच्चे सब बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से बच्चे, और इनके साथ में यहाँ पर ये जो महिला बैठी है ये दूसरे नंबर की बहू है इस परिवार में, और इसके साथ साथ में हमारे बीच में यहाँ पर दो बहुओं के साथ में मैं उन दोनों को भी मिलाना चाहूंगा। ये दो बहुएं और यहाँ पर बैठी हैं, ये अभी नवविवाहिता है, करीब एक साल पहले इनकी शादी हुई, जो बाएं तरफ बैठी हैं, और ये दाएं तरफ जो अपनी कोनी चिन्ह पे हाथ लगा के बैठी हैं बड़ा अच्छा पोज देकर, ये जो है वो सेकेंड लास्ट की बहू है इनकी। तो ये इनका जो परिवार का ये सद्भाव हमने देखा है जैसे ये रह रहे हैं, मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हुआ हूँ, बड़ा ही मुझे एक खुशी हुआ, और मैं अपने परिवारों को अपने समाज को ये बड़ा अच्छा एक मैसेज प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि देखिए जिंदगी में जो इकलौता आप अलग अलग रहते हैं, इससे अच्छा है जब संयुक्त फैमिली में आप रहते हैं तो कितना मजा आता है। मैं थोड़ा सा दो तीन बातें आपको बताऊंगा संयुक्त फैमिली के फायदे क्या होते हैं, मैं प्रधान जी की जो पत्नी उनके माध्यम से बताऊंगा कि क्या आपको इकट्ठे परिवार में रहने से फायदे होते हैं। तो मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी उनकी तरफ लेके चले, मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप सब लोग इतने इकट्ठे रहते हैं, 12-14 लोग इकट्ठे रहते हैं, क्या कैसा लगता है आपको और क्या फील करते हैं आप? अच्छा लगता है हमारे को, इकट्ठे रहने में फायदा है बहुत। क्या फायदे हैं? इकट्ठे खाना, इकट्ठे कमाना जी, खर्चे कम जी, अलग अलग रहने का अलग खर्चे होंगे
अच्छा जैसे अभी आपकी देरानी देवरानी सबसे छोटी है, तीन है आपके नीचे, इन्होंने कई बार अपने मायके भी जाना होता है, इनके मायके में कोई रिश्तेदारी कोई संग कोई प्रोग्राम भी होता है, शादी होती है ब्याह होता है, तो ये जाती हैं तो आपको पूछ के जाती हैं वैसे चली जाती हैं? पूछ के जाती हैं। क्या पूछती हैं और आप क्या बोलते हो? ये बोलते हैं मायके जाना कुछ फंक्शन है। अच्छा, हम भेज देते हैं इनको। तो फिर आप जैसे सास को ही अपनी को पूछती हैं वैसे ही आपको मानती हैं। तो अच्छा जैसे अभी इनके बच्चे भी रहते हैं आपके साथ में, कभी आपके पति मान लीजिए कोई चीज लेके आए, कोई फ्रूट लेकर आए, फल लेकर आए, कोई मिठाई लेकर आए, तो आपके पास देते होंगे वो आकर, तो जब आपके पास देते हैं तो क्या आप करते हो, कैसे बांटते हो आप उसको? सबको बांट के देते हैं बराबर बराबर करके। अच्छा, सब बच्चों को। तो कभी मान लो आपकी देवरानी जो है उनके भी पति लेकर आते हैं आपसे देवर, वो भी कुछ लेके आते होंगे, अगर मान लो वो मिठाई लेकर आए फल लेकर आए तो वो किसके पास देते हैं लाकर? वो भी हमारे पास देते हैं। वो आपके पास ही देते हैं आकर? तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने मतलब आपकी देवरानी के पास दे दिया होगी ये बांट देना? नहीं ऐसा अभी तो चली हुई फैमिली ऐसे कैसे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पर क्लैपिंग करना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है। और मैं यहाँ पर इनकी जो देवरानी है मैं उनकी तरफ लेकर चलूंगा, मेरे सहयोगी वो ये पीछे बैठी है। अच्छा आप अपना नाम बताइए पहले। स्कीना देवी। अच्छा अभी कभी आप अपने मायके जाती हैं तो आपके मायके में आपकी माँ या आपके पापा कुछ आपको देते हो, कोई बेटी के हाथ में कुछ दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कभी पैसा दे दिया, कभी कोई मिठाई दे दी, कुछ भी सामान दे दिया, तो आप जब उसको लेकर आती हैं वहाँ से तो सबसे पहले आकर क्या करती हैं यहाँ पर? हम इकट्ठा घर में रख देंगे, यही रख देंगे और सब कुछ यही करेंगे, सब कुछ सारी जिम्मेवारी इन्हीं को दी हुई है। इनको है। अच्छा बच्चों की फीस वगैरह देते हैं, आपके पति पैसा कमा के लाते हैं, उनका क्या करते हैं आप लोग? यही सब कुछ सब इन्हीं के पास करते हैं, जो हमारे पति कमाएंगे वो इनके पास, हमारे सास ससुर की तरह। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मैसेज इन्होंने दिया है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, ये पीछे भी हमारी दो देवियां बैठी हुई हैं, हम इनको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। ये आपके पति आ गए साथ में? वेरी गुड, चलो पति भी आ गया साथ में। अच्छा आपका क्या नाम है, इनको भी इंट्रोड्यूस कराइए जरा, इनके जो पति है यहाँ पर, क्या नाम है इनका? कमलेश। अच्छा कमलेश अभी आपकी शादी हुई है, सबसे छोटे आप घर में हैं, अभी कभी आपकी सासू माता जी आपके ससुर जी या कभी कोई भी आपको सामान देते हैं आपको, या आप कोई फ्रूट ले आते हैं, कोई चीज ले आते हैं, अभी आपके बच्चे भी नहीं है, तो आप जब घर में ले आते हो तो क्या करते हो आप लोग? मैं अपनी बड़ी भाभी के पास देता हूँ। बड़ी भाभी के पास देते हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पत्नी और आप में कभी ऐसी बात हुई हो कि कोई सामान को लेकर कोई कपड़ों को लेकर लेने हो आपने, तो आपने अपनी मर्जी से जाकर ले लिया हो, चलो कोई बात नहीं भाभी को क्या बताना हम ही कर लेंगे, ऐसा कभी हुआ है? क्या करते हैं आप लोग, किस तरह से करते हैं? आपका नाम बताइए, क्या 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 करते हैं आप बताइए, किस तरह से? दीदी बोलती है जब कपड़े ले लेने तो हम ले लेते हैं, पूछ कर लेते हैं हम बताकर। अच्छा, छुपा कर कभी नहीं लेते हैं। छुपा कर कभी नहीं लेते हैं। अच्छा कभी आपका कोई मन करता खाने के लिए, मान लो कोई मन करता आपका खाना है, तो आपको कैसे आप अपनी भाभी को बोलते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं? हम बोलते हैं दीदी ये बना, ये खाना तो दीदी बना देती है। अच्छा तो जैसे एक माँ की तरह सास होती है ट्रीट करती, तो आपको अपनी जो बड़ी भाभी हैं तो ऐसे ही ट्रीट करती हैं। अच्छा अभी आपको एक साल यहाँ पर आए हुए, तब आपके सास ससुर थे नहीं यहाँ पर, अभी एक साल में कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके यहाँ पर घर में सास नहीं है? हमेशा आपको ये लगता है कि भाभी जो आपकी सास ही जैसी है। अच्छा आप बताओ, आप भी ऐसा करते होंगे, आपके बच्चे भी हो गए अब, कभी कई बार होता होगा कि आपके बच्चे कोई गलती कर देते होंगे, तो गलती कर देते होंगे और आपकी बड़ी भाभी देख लेती होगी, तो क्या क्या करती है? मान लो उन्होंने कभी उसको डांट ही दिया, थप्पड़ी मार दिया, अब क्या कर रहा है? तो नॉर्मल है, क्या हुआ तो? अच्छा आपको गुस्सा आता है कभी कि मेरी भाभी ना बोले? नहीं आता है, क्यों आएगा गुस्सा, वो बोलेगी तो ठीक ही बोलेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं यही मैसेज जो था वो आपके बीच में रखना चाहता था, इट्स रियली अप्रिशिएबल। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जिंदगी में ये कहते हैं कि आपके परिवार नहीं चल रहे हैं, तो आपको इस परिवार से जरूर सीखना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है, एक दूसरे के प्रति जो विचार और भाव है, वही हमारी सभ्यता और संस्कृति को प्रेजेंट करता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर माँ बाप बड़े आपस में मिलके रहेंगे तो बच्चों के अंदर तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो आप बताते हैं वही बच्चे करते हैं, अगर आप सही बता रहे हैं तो बच्चे गलत कभी कर नहीं सकते। एक ज्वाइंट फैमिली का कितना सुख है, कितना मजा है, कितना आनंद है, ये आपको जरूर सीखना चाहिए। और जीवन उत्साह की इस खास रिपोर्ट में मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिंदगी में जो मजा प्यार और परिवार के बीच में है, वो मजा कभी भी अकेले रहने में नहीं हो सकता। आप कितना भी पैसा कमाते हो, कितनी महंगी गाड़ियां आप लेके बैठे हुए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने घर में चौकीदारी करने के लिए कुत्ता पालना पड़ता है और आपको बड़े बड़े ताले लगाकर जाना पड़ता है, क्योंकि पीछे घर का डर रहता है। लेकिन
इस परिवार के बीच में ऐसा प्यार, ऐसा सद्भाव वाकई में ही देखने को जो मिल रहा है वो हमारे समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा, बड़ा मैसेज बन सकता है। और जीवन उत्साह की इस रिपोर्ट को आपके बीच में प्रेजेंट करने का भी केवल मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि मैं अभी प्रोफेशनल लुक में नहीं हूं, लेकिन ट्रेडिशनल लुक में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक ऐसा प्रयास हम करने का कर रहे हैं जिससे हमारे समाज को एक ऐसा मैसेज मिल सके, हमारे समाज में एक सभ्यता और संस्कृति का जो मैसेज है वो पूर्ण रूप से पहुंच सके। हम इस प्रयास की तरफ आपको लेकर चल रहे थे, एक गांव के ट्रेडिशनल लुक, एक ऐसे परिवार के ऊपर जो परिवार आज भी एक ऐसे प्यार, ऐसे बंधन में रह रहा है जिस बंधन के लिए लोग तरसते हैं। जीवन उत्साह की इस रिपोर्ट के साथ आप बने रहे, अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। पता नहीं किस व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवार का प्यार बढ़ सकता है, कितने लोगों का जिंदगी बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें।